गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? तो सुबह के बज रहे हैं 6। आज मैं थोड़ा लेट उठा हूँ और आराम बंद करके सो गया था दोबारा। तो अब उठ के जाऊँगा जिम। भाई आप भी जल्दी उठ जाया करो भाई, लेट तक सो के क्या करना। मम्मी लोग बोलती है ना, लेट तक सोते हैं तो शनिचर आता है, तो भाई मत सोया करो लेट तक। तो भाई 6:30 हो गया, फ्रेश वगैरह हो गया हूँ, अब जिम जाऊँगा। तो बेल्ट रखी अपनी, जिम बेल्ट, फिर अपना स्ट्रैप रहा, फिर वाटर बॉटल और टॉवल रख कर तो अब चलते हैं जिम। तो भाई वैसे भी क्या कहते हैं, मैंने जैकेट पहनी थी, उसमें ठंड लग रही थी तो मैंने जैकेट चेंज करके अब ब्लू जैकेट पहन लिया। तो अब जा रहा हूँ जिम, जाऊँगा। आज मेरा है शोल्डर, आज मन सा नहीं कर रहा, वैसे थोड़ा अजीब सा हो रहा है। फिर बाहर आया हूँ, अब भाई अब सुबह की हवा ठंडी ठंडी प्यारी नहीं लगती, अब लगती है ठंड। तो वर्कआउट करके अब वापस घर, 8:20 हो रहे हैं। और आज थोड़ा ऐसे लेजी लेजी सा था तो मन ही नहीं किया वर्कआउट करने में, कर ही लिया बस वर्कआउट। अब जा रहा हूँ घर, फिर रास्ते में ये हमको डॉगी मिल गया है तो अब इसे बिस्किट खिला के घर पहुँचूँगा अपने डॉगी के पास। तो ये देखो आते ही खेलना स्टार्ट मेरे साथ। अब इसके बाद फिर क्या कहते हैं, मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया। तो भाई मैं जो सर भैया की वो सीरीज़ फॉलो कर रहा था, तो भाई मैं बहुत लेट फॉलो की थी उसे मैंने। तो अब भैया ने एक नई सीरीज़ स्टार्ट करी है सूर्या नाम से, तो भाई अब वो सीरीज़ मैंने ज्वाइन किया है और मैं इसको लास्ट तक करूँगा। और आज मेरा सेकेंड डे है तो भाई उसमें मेरे को करनी है कैलकुलेशन करनी है, 5 एडिशन 5 सब्ट्रैक्शन 5 मल्टीप्लिकेशन और 5 डिवाइड, स्क्वायर 1 से 5, क्यूब 1 से 5, वो कैब 1 से 2 तक रिवाइज करनी है, 3 से 4 लर्न करनी है, मैथ्स करना है, परसेंटेज। सेकेंड डे है आज, 7 दिन में मुझे परसेंटेज कंप्लीट करना है, 20 क्वेश्चन करने हैं। इंग्लिश में रीडिंग करनी है 20 मिनट, रीजनिंग करनी है मुझे वाटर इमेज और मिरर इमेज। और भाई अगर तुमसे भी शेड्यूल नहीं बनते हैं या फिर अपना टू डू लिस्ट नहीं बना पाते हो तो भाई आप भैया से थोड़ा आइडिया ले सकते हो या फिर उनकी पूरी सीरीज़ फॉलो कर सकते हो। क्योंकि देखो भाई किसी और की शेड्यूल पूरी मैच तो नहीं हो पाती, किसी का कुछ कोलैप्स कर जाता है, किसी का कुछ कोलैप्स कर जाता है, कोई VOD से पढ़ते हैं, कोई भाई लाइव लेक्चर से, तो आप आइडिया ले सकते हो उनसे। तो भाई अपन तैयार होके भाई अब अपने सूर्य देव को वो जल चढ़ा के, मतलब भाई सूर्य देव तो भाई है ही, वो अपनी कृपा रखे हमारे ऊपर, भगवान करे हमेशा। फिर अपना दलिया और केले, अब भाई दलिया में थोड़ा रेगुलर करूँगा, थोड़ा वेट मेरा डाउन होता जा रहा है पता नहीं क्यों, 72 से 68 आ गया दोबारा, तो थोड़ा भाई दोबारा करना है। सब बोल रहे कमज़ोर हो गया कमज़ोर हो गया, तो अपना गेनिंग दोबारा स्टार्ट करनी है। फिर 10:20 हो रहे हैं तो लाइब्रेरी जा रहा हूँ, ये अपने सूर्यदेव हमारे ऊपर कृपा बनाते हुए। फिर पहुंच जाऊंगा लाइब्रेरी, अपने स्लीपर रखे, ठंड हो रही है, मेरे को लग रहा है सॉक्स पहन के आने चाहिए थे, कोई नहीं अब दोपहर में जाऊंगा तो जब पहन आऊंगा। भाई ठंड हो रही है लाइब्रेरी में, वैसे मैट है हमारे में पूरे में, मगर भाई पैर ठंडे ठंडे से रहते हैं और मैं बैठा भी उसके पास रहता हूँ गेट के। 10:40 तक वाटर बॉटल वगैरह भर के अब बैठ गया हूँ। अब मेरे सबसे पहले है एडिशन, मतलब कैलकुलेशन। कैलकुलेशन अगर तुम्हें भी करनी है तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो ऐप डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है। फिर 11:10 पे मैं को अपना स्क्वायर और क्यूब्स याद करने हैं, और अगर आपको क्यूब और उसकी प्रैक्टिस के लिए ऐप चाहिए तो वो भी मैं लिंक डाल दूंगा, आप कमेंट कर देना एक बार, ठीक है। तो फिर ये अपना क्यूब और स्क्वायर याद कर लिए, फिर इसके बाद अपना ये करना है वो कैब, जिसमें मैं वो कैब करता हूँ अपना पिनिकल की बुक से, ये मैंने ले रखे, न्यू एडिशन है, 5th एडिशन, बिल्कुल न्यू है ये, तो ये मैंने खरीद रखी है। और भाई इसके बाद मैं वो करनी है रीडिंग, तो रीडिंग में मैंने सोचा है कि अब थोड़ा क्लास वाइज स्टार्ट करते हैं। तो 8th क्लास की नोवेल पढ़ रहा हूँ, नोवेल नहीं, ये वो क्या कहते हैं, हनी शंक आती है ना, हनी स्कल, हनी कॉम तो उसके बाद वाली है, हनी स्कल, तो इससे कर रहा हूँ, ये पढ़ूंगा पहले। फिर 1 बजे घर आ गया हूँ और ये देखो देखो भौंक, पहले भौंका इसने, देखा कौन है, को फुल स्लीव्स कपड़े पहनता नहीं हूँ ना मैं, फिर आई है मेरे पास प्यार करते हुए। तो फिर इसके बाद दोबारा लाइब्रेरी वापस,
मैं जल्दी आऊँ या लेट आऊँ, मुझे 2 बजे लाइब्रेरी वापस जाना है, ये मैंने फिक्स कर रखा है। फिर लाइब्रेरी पहुँच गया और मैं सॉक्स पहन के आया हूँ, भाई ठंड लग रही थी बहुत पैरों में, तो सॉक्स पहन के आया हूँ लाइब्रेरी में दोबारा वापस। अंदर लाइब्रेरी में भाई बंदे थोड़े कम होते जा रहे हैं क्योंकि ठंड हो रही है बहुत, तो अब लोगों को आलसपन हो रहा है, तो भाई आपको आलस नहीं बनाना अपने ऊपर। फिर रीजनिंग, रीजनिंग में वाटर इमेज और मिरर इमेज, इसके मैं सोच रहा हूँ आज कंप्लीट हो जाएगा, वैसे तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर क्योंकि मैं दोबारा कर रहा हूँ ना दूसरी सीरीज, तो मेरे को दोबारा क्वेश्चन सारे का रिपीट करना है, और पिनेकल से करता हूँ मैं ये भी। फिर इसके बाद अपनी परसेंटेज, जिसमें मैं आदित्य रंजन सर की VOD बैच ले रखा है मैंने टेलीग्राम पे, 80-90 रुपये का लिया था मैंने, तो इसी से कर रहा हूँ मैं। फिर इसके बाद थोड़ा ऊपर रेस्ट करने आ गया हूँ, और मैं हर रोज आता हूँ थोड़ा यहाँ पे और गाने सुनता हूँ, पहले थोड़ी देर गाने सुनता हूँ और मस्ती करता हूँ अपने आप, डांस वगैरह कर लेता हूँ और सोचता हूँ भाई अपने बारे में कि मैंने क्या गलतियाँ करी अभी तक, क्या नहीं करनी चाहिए और कैसे पढ़ रहा हूँ। थोड़ी टेंशन लेता हूँ तो यहीं पर ले लेता हूँ इतनी देर के लिए, क्योंकि पढ़ते टाइम अगर टेंशन लूँगा तो फिर पढ़ूंगा कब, तो इसलिए टेंशन का भी ये टाइम मेरा यही है, सब कुछ सोचना और जो भी करना है मुझे यहीं पर करना है। और मैंने जाकिर हुसैन की एक बात याद है मुझे, मैंने सुनी थी, वो उन भाई ने ये बोला था कि भाई अभी ना तुम शर्ट के लिए मत लड़ो, क्या पता तुम्हारे लिए एक 3-पीस सूट वेट कर रहा हो, तो भाई बस तुम अपने कर्म करते जाओ, ठीक है, फल तो अपने आप मिल जाएगा। इसके ऊपर भी एक लाइन सुनी थी, मतलब वो गाली में थी कि भाई मेहनत कर, फल तो साला बाजार से खरीद लेंगे। तो भाई फिर आ गया नीचे, अब मैथ ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मैथ के क्वेश्चंस कर रहा हूँ मतलब, और भाई मैं पिनेकल की बुक से ही करता हूँ। और भाई मेरे को थोड़ा मतलब चैप्टर आ गए हैं अच्छे से, तो यार पढ़ते पढ़ते ना नींद भी आने लग जाती है, ठंड अलग हो रही है तो, और कहते हैं देखो अभी मैं नशे में हूँ थोड़ा, और कपड़े फुल स्लीव के हैं तो थोड़ी ना गर्माहट आ रही होती है, तो इसलिए पता है यहाँ पे बैठने में ये फ़ायदा है कि यहाँ थोड़ी ठंड लगती रहती है तो नींद नहीं आती। अगर मैं कहीं और अंदर जाके बैठ जाऊँगा जहाँ पे मेरे को अच्छा मस्त गर्म वाला मौसम मिल रहा है, तो भाई मेरे को फुल अच्छे तरीके से नींद आ जाएगी। तो बेनिफिट है कि मैं यहाँ पे बैठा रहूँ। और भाई एक और चीज़, अगर आप अच्छे से पैक होके जा रहे हो ना तो मत होके जाओ, क्योंकि फिर भाई गर्माहट आती है और कुर्सी बैठे बैठे नींद आती है, तो कपड़े ज़्यादा मत पहनो, नॉर्मल कपड़े पहनो बिल्कुल, गर्माहट वाले नहीं कि भाई लाइब्रेरी में बैठे हो गर्म वाले। देखो अब यहाँ पे देखो मैं आलस में आ गया थोड़ा, मैं बैठ गया हूँ, फिर नींद आई एकदम से, फिर मैं जगा तो भाई ज़्यादा गर्म कपड़े पहन के मत जाना, पहले बोल रहा हूँ। फिर मैं 5 बजे आज घर आ गया हूँ, मेरे टारगेट तो अब कम्प्लीट हो गया। और बात यह है कि आज मेरे दोस्त का बर्थडे है, दोस्त क्या भाई है भाई, तो अब मैं तैयार हो गया हूँ, तैयार क्या मतलब दोस्तों के साथ तो ऐसे ही जीन्स और शर्ट शर्ट डाली चलो, और भाई ये देखो स्कूटी पे रखा और केक गिर गया, केक का हो गया कबाड़ा। अब ये आ गए हैं यहाँ पे लोकेश मोमोज वाला, जो कि यहीं पर है पास में हमारे, सेक्टर 14 मेट्रो स्टेशन के पास, तो यहाँ पे मोमोज वगैरह खाए, चिली बराटो वगैरह भी खाए थे हमने दूसरी जगह पे, तो उसका रिकॉर्ड नहीं किया। फिर 9:30 पे आसपास घर पे आ गया था, 9 बजे आ गया था घर में। फिर अब तेल वेल लगा रहा हूँ, मम्मी तेल लगा रही है, हफ्ते में एक दिन मैं चंपी कराता हूँ, और ये मेरे टारगेट आप देख लो, मैंने सारे टारगेट कंप्लीट कर लिए। कहीं आप सोच रहे हो कि भाई टारगेट कंप्लीट करता नहीं है पागल बनाता है, और बस तो भाई आज का दिन कंप्लीट, तो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग्स में।